नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का एक बार फिर से द आयर शो में। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोग को कल अपने वीडियो में बताया था कि केंद्र सरकार ने नई आईटी रूल गाइडलाइंस लाई है, जिसको कंपनीज़ को जो है, जो भी सोशल मीडिया कंपनीज़ हैं उनको ये 25 मई 2021 तक इसको फॉलो करना था, लेकिन इसको बहुत सी कंपनियों ने फॉलो नहीं किया और केवल एक कंपनी थी, मैंने आपको बता ही दिया था कि एक कंपनी थी, केवल कू कंपनी जो थी उसने ही सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो किया था। तो अब इसके बाद ये समझा जा रहा था कि गवर्नमेंट इनके ऊपर बैन लगाएगी, लेकिन गवर्नमेंट माना जा रहा है कि गवर्नमेंट ने इनको 1 से 2 दिन का समय दिया है कि ये अपना फैसला ले सकें, क्योंकि गवर्नमेंट भी अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को लेके पूरी तरीके से यहाँ स्ट्रिक्ट दिख रही है, वो किसी तरीके के समझौता करने के मूड में नहीं दिख रही है। इसीलिए फेसबुक के आज जो स्टेटमेंट था वो काफ़ी बदला हुआ था। उसने कहा था, वी आर रेडी टू डील विथ न्यू आईटी रूल्स एंड टू कम्प्लाई विद द न्यू आईटी रूल्स एंड वी आर कंटिन्यूसली इन टॉक विद द गवर्नमेंट फॉर सम इश्यूज़। तो यानी कुछ विषयों को लेके उनकी चर्चा चल रही है, लेकिन वो कहीं ना कहीं फेसबुक ने अपना जो इंटेंशन है वो अपना जाहिर कर दिया है कि वो कहीं ना कहीं अब इनको जो है मानने को तैयार है। लेकिन साथ ही साथ जो फेसबुक की जो कंपनी है व्हाट्सएप, आप जानते होंगे कि व्हाट्सएप को फेसबुक ने परचेज़ कर लिया था, तो अब व्हाट्सएप जो है वो फेसबुक की ही कंपनी है। तो व्हाट्सएप ने क्या किया है कि इन्होंने अपने एक तरीके से लीगल जाल में फंसाने के लिए जो है, लोगों का ध्यान भी खींचने के लिए और कहीं ना कहीं एक वैलिड बेस दिखाने के लिए कि हमारे पास वैलिड ग्राउंड है इसका विरोध करने का, उन्होंने क्या किया है कि इस पूरे आईटी रूल्स को ही जो है इन्होंने चैलेंज कर दिया है। कहाँ पर? दिल्ली हाई कोर्ट में इन्होंने चैलेंज किया है कि गवर्नमेंट का जो ये है, जो नया आईटी रूल्स एंड रेगुलेशन है जो इन्होंने फरवरी 2021 में लाए थे, ये पूरी तरीके से अगेंस्ट द फंडामेंटल राइट्स है और इससे गवर्नमेंट की जो, और इससे जो यूज़र्स हैं उनकी जो प्राइवेसी है वो भी वायलेट होती है। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं इनके इस दावे में कहाँ तक दम है और देखते हैं इस पर गवर्नमेंट का क्या व्यू पॉइंट है और इससे रिलेटेड जो टॉपिक हैं उनको भी कवर करने की कोशिश करते हैं साथ में। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं अपने इस डिस्कशन को। तो दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बता ही चुका हूँ कि जो इस पिटीशन का जो बेस है वो कुछ और नहीं बल्कि इन्होंने ये कहा है कि इससे जो जो गन इनके जो यूज़र्स हैं उनके जो राइट्स हैं वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ होंगे, इनका जो राइट टू प्राइवेसी है। क्योंकि दोस्तों, आप लोग को मालूम है कि कोई भी मैसेज कर रहा है तो ये नहीं चाहता है कि उसके मैसेजेस को कोई पढ़े, और इनका ये कहना है कि जो न्यू आईटी रूल्स आए हैं उनमें जो एक प्रोविज़न है, दोस्तों मैंने कल आप लोगों से वीडियो में कई प्रोविजंस की बात की थी जिसमें मैंने आपसे बताया था कि उसमें जो कई प्रोविजंस हैं उनमें एक प्रोविज़न जो है वो अपॉइंटमेंट्स को लेके है कि आप कुछ स्पेसिफाइड जो ऑफिसर्स हैं उनको अपॉइंट करेंगे। दूसरा जो था वो ये था कि आप ट्रेसिंग ऑफ ओरिजिनेटर ऑफ कंटेंट को आप ट्रेस करेंगे, यानी जो ओरिजिनेटर है, यानी कोई भी अगर आप जान रहे हैं कि बहुत से फेक न्यूज़ वगैरह भी फैलती है, तो फेक न्यूज़ के केस में जो है गवर्नमेंट ये नहीं पता लगा पाती है कि एक्चुअल में इसका जो ओरिजिनेटर है वो कौन है। क्योंकि दोस्तों, इनकी जो टेक्नोलॉजी होती है वो एंड टू एंड इंक्रिप्शन बेस्ड होती है। एंड टू एंड इंक्रिप्शन का मतलब क्या है कि दोस्तों, इसमें जो जो सेंडर होता है और जो रिसीवर होता है, सेंडर जब मैसेज भेजता है तो वो एक स्पेसिफिक जो है वो कोड लैंग्वेजेस में रिसीवर तक पहुंचता है, और रिसीवर जब सेंडर तक भेजता है तो वो भी उसको जो है एक स्पेसिफिक कोड में होता है। वो कोड कैसा भी हो सकता है, हैश टैग हो सकता है, @ हो सकता है, तमाम चीज़ों को मिला के भी या कॉम्बिनेशन में हो सकता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो व्हाट्सएप जो खुद कंपनी है उसको भी नहीं पता लगता है कि एक्चुअल में भेजा क्या जा रहा है। तो इसलिए जो है इसको एंड टू एंड इंक्रिप्शन कहते हैं कि इसको जो है ये पूरी तरीके से सिक्योरिटी रहती है प्राइवेसी की। तो दोस्तों, यहाँ गवर्नमेंट का भी जो ये कहना वो ये कह रही है कि ऐसा नहीं है कि हमने सबके लिए ऐसा कहा है कि आप सबकी ट्रेसिंग करिए, जितने ओरिजिनेटर हैं सबकी ट्रेसिंग करिए, ऐसा कुछ नहीं है। बल्कि गवर्नमेंट ने कहा है, इट इज़ द एक्सेप्शनल केस इन केस ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। आप जानते हैं कि बहुत से जो है फेक न्यूज़ वगैरह फैलाई जाती है, कभी कभी र्यूमर्स फैलाए जाते हैं कि ऐसा हो रहा वैसा हो रहा। आपने किसान आंदोलन में देखा ही होगा कि कई हैशटैग्स तक चले थे जो कि पाकिस्तान ओरिएंटेड बताए जा रहे थे सर्वर, जिसमें हैशटैग मोदी मोदी स्लॉटर और ऐसे करके तमाम हैशटैग चले थे। तो इससे क्या होता है कि जो कंट्री की इमेज होती है उस पर दाग लगते हैं, जो कंट्री की
इमेज को स्पॉइल किया जाता है, साथ ही साथ उसकी जो सॉफ्ट पावर है उसको भी कहीं ना कहीं कम करने की कोशिश की जाती है। तो ये सब नेशनल इंटरेस्ट की और नेशनल सिक्योरिटी की चीज़ें हैं। तो गवर्नमेंट ने इसमें यही प्रोविज़न किया था कि जो कि अथॉरिटीज़ ये कंसिडर करेंगी कि ये नेशनल सिक्योरिटी का होगा पॉइंट, उस पर जो है जो व्हाट्सएप है उसको ओरिजिनेटर को बताना पड़ेगा ट्रेस करके कि ओरिजिनेटर है कौन इस कंटेंट का। तो इन्होंने ये कहा कि जो है हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि इससे जो यूज़र्स की जो प्राइवेसी है वो उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ होगा। तो इस पे जो है गवर्नमेंट का ये कहना था कि भाई इससे ऐसा कुछ नहीं होगा क्योंकि ये हम नेशनल सिक्योरिटी के ही बेस पे करेंगे, लेकिन फिर भी इन्होंने ये बात नहीं मानी और इन्होंने केस कर दिया। और इस समय आप लेटेस्ट दोस्तों 1 घंटे पहले का डेक्कन हेराल्ड का ये आप स्टेटमेंट एज इट इज़ पढ़ सकते हैं कि क्या कहा है आईटी मिनिस्ट्री ने, या आप जान सकते हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स है उनके जो मिनिस्टर हैं रविशंकर प्रसाद जी, उनका स्टेटमेंट है, आप ये देख सकते हैं कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज़ कमिटेड टू एंश्योर द राइट ऑफ प्राइवेसी टू ऑल इट्स सिटीजन, बट एट द सेम टाइम इट इज़ ऑल्सो द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर एंड इंश्योर नेशनल सिक्योरिटी। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि गवर्नमेंट का पॉइंट यहाँ ये है कि लॉ एंड ऑर्डर और नेशनल सिक्योरिटी है वो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो राइट टू प्राइवेसी के साथ साथ गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर एंड टू इंश्योर नेशनल सिक्योरिटी भी है। तो इसलिए ये गवर्नमेंट का जो स्टैंड है वो एकदम करेक्ट है और वो इसके लिए उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है। तो ये है गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स जो कि अभी जस्ट आया है 1.5 घंटे पहले, मैं आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा दोस्तों अब इससे रिलेटेड टॉपिक्स की अगर बात करें तो मैंने आप लोग को ये बता ही दिया कि एंड टू एंड इंक्रिप्शन क्या होता है, ये मैंने बता दिया कैसे काम करता है। तो ये हो गया दूसरा पॉइंट, फंडामेंटल राइट कौन सा वायलेट हो रहा है। दोस्तों राइट टू प्राइवेसी जो है वो एक फंडामेंटल राइट है जिसको आर्टिकल 21 में जो है दिया गया है। आर्टिकल 21 में जो पुट्टा स्वामी, जो नीचे आप एग्रीमेंट देख रहे हैं पुट्टा स्वामी जजमेंट, ये 2017 में आया था। इन्होंने राइट टू प्राइवेसी को जो है वो फंडामेंटल राइट माना था कि राइट टू प्राइवेसी जो है वो भी फंडामेंटल राइट है। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है कि ये एब्सोल्यूट राइट है। पुट्टा स्वामी जजमेंट में भी जो जस्टिस थे उन्होंने, जज ने ये कहा था सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ने कि इसको भी आप ट्रिपलेट टेस्ट के आधार पे आप इसको आजमा सकते हैं कि जो प्राइवेसी को जो कॉम्प्रोमाइज़ किया गया वो कॉम्प्रोमाइज़ करना ठीक था या नहीं था। इसके लिए उन्होंने ये कहा कि आपको ये देखना पड़ेगा कि उससे जो है जो इंटरेस्ट हो वो बहुत ही बड़ा इंटरेस्ट सर्व होना चाहिए, जिस यानी कि एक तरीके से नेशनल इंटरेस्ट सर्व होना चाहिए अगर आप ऐसा कोई काम कर रहे हैं तो उससे। यानी ये नहीं कि वो आप अपने पर्सनल रीजंस की वजह से किसी की प्राइवेसी के साथ आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा हो, वो नेशनल इंटरेस्ट में होना चाहिए, राष्ट्रहित में वो चीज़ होनी चाहिए। दूसरी चीज़ उन्होंने ये कही थी कि वो किसी एक रूल्स एंड रेगुलेशन के तहत होनी चाहिए, उसके लिए प्रॉपर प्रोसीजर को फॉलो किया गया हो। तीसरी बात उन्होंने ये कही थी कि इसके साथ ही आपको एक बैलेंस भी क्रिएट करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि आप एक तरफा काम कर देंगे, आपको बैलेंस क्रिएट करना पड़ेगा रिस्ट्रिक्शन और फ्रीडम के बीच में। यानी जो राइट टू प्राइवेसी दे रहे हैं उसको भी थोड़ा बहुत मेंटेन करके चलना पड़ेगा और जो रिस्ट्रिक्शंस लगानी है उसको भी एक आप रेशियो पे ही लगाएंगे, ये नहीं कि आप एब्सोल्यूट कर देंगे किसी चीज़ को, चाहे रिस्ट्रिक्शन चाहे फ्रीडम को। तो दोनों चीज़ों का बैलेंस बनाना पड़ेगा। ये बात हालांकि व्हाट्सएप ने अपनी पिटीशन में नहीं कही, कि पुट्टा स्वामी में भी कहा गया था कि ये जो है जो राइट टू प्राइवेसी है ये एब्सोल्यूट नहीं है। तो गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स क्या है मैं बता ही चुका हूँ, पुट्टा स्वामी जजमेंट भी आपको बता दिया। अब इस पर आप मेरी ओपिनियन की बात करेंगे दोस्तों, तो देखिए मुझे तो ये लगता है कि देखिए किसी के भी जो अगर 45 करोड़ अगर यूज़र्स हों और उन यूज़र्स में अगर आप जानते हैं कि अगर आपको एक सेपरेट अगर सबके लिए एक अगर आपको स्टोरेज रखनी पड़ेगी डाटा स्टोरेज, क्योंकि अगर आपको सबका ओरिजिनेटर कंटेंट रखना है तो सबके आपके मैसेजेस के एक स्टोरेज रखनी पड़ेगी, और आपको मैंने बताया है कि वो एक कोडिंग के रूप में होती है, तो इतनी कोडिंग और इतना खर्चा एक बहुत बड़ा काम है किसी एक कंपनी के लिए। तो कहीं ना कहीं जो ये कंपनी है वो अपनी कॉस्टिंग से भी बचना चाहती है, जो पीछे रीज़न है। बाकी रही बात दोस्तों प्राइवेसी की, तो आप लोग खुद जानते हैं कि व्हाट्सएप जो है वो कई दिनों से एक प्राइवेसी को लेके एक आप लोग की कंसेंट मांग रहा है, जैसे ही आप लोगों ने अपडेट किया होगा, अदरवाइज़ वो आपके में ऐप जो है वो काम नहीं करेगा। तो दोस्तों देखिए प्राइवेसी की बात अगर ऐसे लोग करते हैं तो इसको हिपोक्रेसी कही जाती है, क्योंकि आप खुद भी जानते हैं कि इन्हीं के जो लिए गए डेटाज़ हैं वो फेसबुक ट्विटर और तमाम लोग जो हैं, तमाम जो सोशल मीडिया जो इंटरमीडिएट्स हैं वो यूज़ करती हैं, और तमाम जो डेटाज़ के हैं लोगों को पता लगता है कि उनके तमाम जो डेटा है वो कहीं ना कहीं चोरी भी हुए हैं।
तो प्राइवेसी वायलेशन को कहना, जब हम लोग किसी चीज़ पे कंसेंट पे यस कर देते हैं तभी हम लोग अपनी प्राइवेसी को कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं। तो ऐसे कितने ऐप्स हैं और कितनी सारी चीज़ें हैं जिसमें आप नो करके उस चीज़ को यूज़ कर लेते हैं, ऐसा कोई नहीं है, आप खुद भी जानते हैं। तो जैसे ही आपने यस किया वैसे ही आपने उनको अपनी फ़ोटोज़ कॉन्टैक्ट सबके लिए परमिशन दे दी। तो दोस्तों फिर इसके बाद रह क्या गया, आपकी प्राइवेसी तो वैसे ही कॉम्प्रोमाइज़ हो गई। तो दोस्तों इस पर मेरी ओपिनियन यही है कि अगर कोई चीज़ नेशनल इंटरेस्ट में हो रही है तो उसको देखना चाहिए, और अगर आपका कोई विरोध है तो उसके लिए आपको एक वैलिड जो है रीज़न देना चाहिए। ऐसा रीज़न नहीं देना चाहिए जिस पे आपकी खुद ही हाइपोक्रेसी जो है या आपका खुद ही जो पाखंड है वो एक्सपोज हो। तो मेरे हिसाब से तो गवर्नमेंट का स्टैंड ठीक है। साथ ही साथ इस पर जो है, अब आप लोग की क्या राय है, आप लोग अपनी राय जो है वो बता सकते हैं। बाकी दोस्तों आप लोग को जो भी लगता हो अपनी राय ज़रूर रखिए। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए ताकि आप लोग को फ्यूचर नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।